सीतापुर के सिधौली में शुक्रवार को गुरु सिंह सभा सिधौली के तत्वावधान में गुरु गोविंद सिंह के 354वें जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में नगर में शोभा यात्रा बड़े हर्षोल्लास व धूमधाम से निकाली गई, जिसमें सिख समाज व नगरवासियों ने श्रद्धा पूर्वक हिस्सा लिया। शोभा यात्रा मोहल्ला गोविंद नगर स्थित गुरुद्वारे से प्रारंभ हुई और नगर के विभिन्न मार्गों, तहसील मार्ग, बिस्वा चौराहा, महमूदाबाद चौराहा आदि स्थानों पर भ्रमण करने के उपरांत वापस गुरुद्वारे पहुंची। पंच प्यारों की अगुवाई में निकली शोभा यात्रा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन संगत ने किए। शोभा यात्रा में सबसे आगे सिख समाज की महिलाएं, बच्चे व पुरुष सड़क की धुलाई व झाड़ू से सफाई करके फूलों को पालकी के आगे बिछाकर सम्मान स्वरूप वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह आदि जयकारे लगाते हुए चल रहे थे। वहीं शोभा यात्रा में पंजाब, हरियाणा व लखनऊ से आए विभिन्न प्रकार के बैंड अपनी धुनों पर लोगों को नाचने पर मजबूर कर रहे थे। मिलिट्री बैंड के कलाकारों के करतब को लोगों ने खूब सराहा। समुदाय के लोगों द्वारा जगह जगह लोगों के लिए प्रसाद के रूप में केला, चाय, समोसे इत्यादि स्टॉल लगाकर वितरित किए गए। खालसा ए खालसा गतका ग्रुप के हैरत अंगेज करतबों को देखकर लोग आश्चर्यचकित थे। गतका पार्टी के कलाकारों ने बनाए कई प्रकार के हैरत अंगेज करतब दिखाए, जिसमें बर्फ की सिल्लियों को अपनी छाती पर रखकर हथौड़े से तोड़वाना, आंखों पर पट्टी बांधकर कलाकारों के सरों पर रखे नारियल को हथौड़े से तोड़ना, लोहे की मोटी रॉड को छाती से मोड़ना और आग के शोलों पर चलना प्रमुख रहा। सरदार रघुवीर सिंह, सरदार अवतार सिंह, हरजीत सिंह, कारी सिंह, बंटू सिंह, जोगिंदर सिंह, रागी सिंह, सोनू सिंह, बल्लू सिंह, बीबी राम कौर, नरेंद्र कौर, सुरेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, विक्की सिंह, पप्पू सिंह, गुरुचरण सिंह सहित पूर्व सपा विधायक मनीष सरावत व वर्तमान विधायक हरगोविंद भार्गव, ब्लॉक प्रमुख विजय प्रकाश पांडे समर्थकों के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। भाजपा के कई स्थानीय नेता सहित सैकड़ों लोगों ने शोभा यात्रा में भाग लिया। डेस्क रिपोर्ट, अवध न्यूज।